स्नेक प्लांट ऐसे ही बहुत अच्छी तरह से मल्टीप्लाई होते रहता है। अगर टाइमली इसे रिमूव कर दिया जाए, अलग अलग छोटे छोटे प्लांटर में इसे शिफ्ट कर दिया जाए, तो इससे और भी बेबी प्लांट निकल आएंगे। तो मैंने आज इस वीडियो में मिट्टी कैसे तैयार किया जाता है, किस तरह से देखभाल करते हैं, किस तरह के प्लांटर को चॉइस करेंगे और किस तरह से इसे राइजोम से अलग करेंगे, वो सारी चीज़ दिखाती रहूँगी। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ। और ये छोटे छोटे प्लांटर मैंने ले लिए हैं, कुछ मेरे पड़े हुए कूलर भी ले लिए हैं जो मैंने पहले भी लिया था और इस बार भी मैं कूलर में भी लगाऊंगी। तो पहले इसे रिमूव कर देना है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ अनन्या, अनन्यास कॉर्नर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ बेल ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए और जब भी मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपके मोबाइल पे वो नोटिस पहुंच जाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। तो मैंने इस तरह से बहुत अच्छी तरह से सारे प्लांट को निकाल लिया। यहाँ से एक ही बड़ा प्लांट है, मदर प्लांट एक ही है, लेकिन इसके आसपास बहुत सारे छोटे 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 प्लांट्स निकल आए हैं। लगभग 6 महीने पहले मैंने इसमें से बहुत सारे प्लांट निकाले थे और वो सारे मैंने बहुतों को गिफ्ट भी कर दी हूँ। और ये जो मदर प्लांट है वो भी मुझे गिफ्ट में मिला है, मेरे स्टूडेंट्स ने दी थी। और इस तरह से देखिए, एक ठेकरी देना होता है अगर प्लांटर के नीचे अगर बड़ा सा होल है या छोटा भी होल है तो एक ठेकरी देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो मिट्टी धूल करके निकल जाती है। मिट्टी में कोई भी हम लोग खाद देते हैं तो वो भी निकल जाता है पानी देते देते। तो ठेकरी देना ज़रूरी है, होल भी रखना ज़रूरी होगा और ठेकरी देना भी ज़रूरी है। लेकिन हाँ, स्नेक प्लांट के लिए मैं कहूँगी, अगर आप होल नहीं भी देते हैं, नहीं भी आपके प्लांटर में होल है तो भी वो बहुत अच्छे से चलता है। मेरे छोटे छोटे कप में भी लगाए हुए हैं मैंने, कोई होल नहीं है, वो बहुत अच्छी तरह से चलता है और उसमें से भी नए नए ग्रोथ होते रहता है। तो देखिए, इस तरह से एक एक प्लांट को मैं तोड़ रही हूँ। इसको तोड़ना कैसे होता है, देखिए इस तरह के राइजोम होता है बीच में से, ये एक ही प्लांट से जुड़ा रहता है। देखिए ये बहुत छोटा है इसका मदर प्लांट, तो मदर प्लांट के पास जो बेबी प्लांट छोटा है उसे मैं रख दूंगी। देखिए इस तरह के राइजोम, एक ही राइजोम से ये बढ़ते रहता है इस तरह से, और इसको तोड़ करके इस तरह से निकालना पड़ता है। और इसमें जो रूट लगा हुआ है इसी में से फिर वो आगे भी डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे 3-4 पौधा तो इसमें से निकल मिल ही जाएंगे और इसके बाद मैं इसे रिपोर्ट भी करूँगी। देखिए ये भी एक प्लांट मिल गया और ये सारे ड्वार्फ वैरायटी के हैं। चूँकि ये राइजोम से ही हो रहा है तो मेन प्लांट जिस भी डिज़ाइन का है, यानी पैटर्न का मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये ग्रीन पत्तियों वाला है, मैंने लास्ट एक वीडियो भी आप लोगों को दिखलाया था, अगर वो राइजोम से होता है तो प्लांट जिस तरह का होता है, जिस भी डिज़ाइन का होता है, उसके बेबी प्लांट भी उसी तरह होंगे। अगर पत्ते से वो मल्टीप्लिकेशन होता है, पत्ते से वो नया प्लांट निकलता है तो लेकिन अलग होता है। अगर ग्रीन है तो कुछ भी हो सकता है, ग्रीन ही होगा, लेकिन अगर येलो वाली बॉर्डर होती है प्लांट में, अगर पत्ते से आप उसे रूट निकालते हैं, नया प्लांट निकालते हैं, तो फिर उसका प्लांट लेकिन येलो बॉर्डर नहीं आएगा, वो ग्रीन ही आएगा। तो ओके, मैं ये मिट्टी को फिर से तैयार करूंगी और मिट्टी में जितने भी पुरानी रूट्स है उसको मैंने निकाल दिया और अब मैं इसमें फिर से मिला रही हूँ कुछ मिट्टी, क्योंकि मुझे और भी प्लांटर तैयार करना है। और इसमें से देखिए, जो घर बनाने के समय में जो पत्थर आते हैं ना, कंस्ट्रक्शन के समय बालू के साथ जो पत्थर आते हैं, वो भी मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ बहुत सारा इस तरह का कंस्ट्रक्शन वाले पत्थर मैं स्टोर करके रखी हुई हूँ इन सब प्लांट को लगाने के लिए। जैसे सेंसेवेरिया हुआ, एडेनियम हुआ, कैक्टस वगैरह होता है जो उस तरह का प्लांट में देने के लिए। और ये है पोटास, ऐसा तो मैं प्लांट्स में, स्नेक प्लांट में कभी खाद उतना देती नहीं हूँ, लेकिन इस समय चूँकि मेरे पास पोटास है, सरसों की खली है, तो मैं एक मुट्ठी करके इस मिट्टी के तैयार करने में मैं दे रही हूँ। मैं खासकर उतना कंपोस्ट वगैरह ही देती हूँ, लेकिन इस तरह का कोई केमिकल मैं यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, सरसों की खली दे देती हूँ अगर रहता है तो, अगर नहीं भी रहता है तो बालू और मिट्टी से ही स्नेक प्लांट बहुत अच्छा चलता है। इस समय मेरे पास था तो मैंने पोटास और सरसों की खली का यूज़ किया। तो देखिए मिट्टी मेरी तैयार होगी और पुरानी मिट्टी को भी मैंने लगाया है यूज़। और अब इस होल को कवर कर देना है ठेकरी से। देखिए आपके पास जो भी है
पत्थर है, कंकर है, मोटी मोटी पत्थर होती है, पुराने दिए आप अगर आपके पास है, टूटे हुए प्लांटर के टुकड़े होते हैं, वो भी अगर आपके पास कुछ भी हो वो, लेकिन आपको होल को आपको कवर कर देना है। इस तरह से मिट्टी मैंने हाफ भर दिया और मैं इस प्लांट को लगा रही हूँ। इसमें एक बेबी प्लांट भी है, इसे मैंने छेड़छाड़ नहीं किया क्योंकि ये बहुत छोटा है, अभी यहीं पर रहने देती हूँ क्योंकि अभी काफ़ी सारा जगह भी इसे मिल गया है और फिर नए प्लांट इसमें से निकलेंगे, उस समय में बेबी प्लांट भी बड़ा हो जाएगा, उस समय मैं उसे फिर रिमूव कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने मिट्टी भी भर दिया प्लांटर में और इसे अच्छे से हाथों से दबा देना है। अगर नहीं दबाएंगे तो इसमें होल बन जाएगा, फिर अगर हम पानी देंगे तो वो बबल क्रिएट होगा, तो इसलिए मिट्टी को देखिए इस तरह से दबा भी देना है। मिट्टी को भर के फिलअप करने के बाद फिर धीरे 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 हाथों के सहारे इसे दबा देना है। इससे अच्छा होता है, कोई गैपिंग नहीं रहती है, नहीं तो एयर बबल हो जाने का डर रहता है। तो इस तरह से ये प्लांटर तो मेरा तैयार हो गया, इसे मदर प्लांट को ही मैं रखती हूँ और छोटे छोटे जितने भी प्लांट मुझे मिले हैं वो सारे को मैं ये छोटे छोटे जो भी कुल्हर है, जो छोटे छोटे मेरे पास प्लांटर है, पुराने प्लांटर थे, उन्हीं में मैं लगा रही हूँ। तो मिट्टी को अब तैयार करना है, आप इसमें कोकोपीट भी लगा दे सकते हैं। मैं मिट्टी और बालू का ही खासकर इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन इस समय चूँकि मैंने कहा इस समय चूँकि मेरे पास खाद थी तो मैंने कुछ केमिकल खाद, पोटास और सरसों की खली यूज़ किया और ठेकड़ी को भी यूज़ करूँगी, नहीं तो पानी पूरा मिट्टी को धो कर निकाल देता है। तो इस तरह से मेरे छोटे 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 ठेकड़ी भी मैंने तैयार कर दिया क्योंकि इस छोटे से प्लांटर में, ये 4 इंच का प्लांटर है, इस छोटे से प्लांटर में देखिए कितने सारे होल है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में भी मैं डालूँगी, सेक प्लांट की बेनिफिट्स के ऊपर रहेगा, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप भी स्नेक प्लांट लगाइए घर में, बहुत अच्छा होता है, एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है स्नेक प्लांट, आप किसी भी वैरायटी का लगा सकते हैं। बहुत सारे वैरायटी में स्नेक प्लांट आते हैं, इसे हम सेंसेविरिया भी कहते हैं और ये चूँकि बहुत पानी स्टोर करके रखता है पत्तों में और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, तो इसमें लेकिन पानी बहुत कम लगता है, ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। और मैं हर बार स्नेक प्लांट की चर्चा करती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्नेक प्लांट बन जाते हैं और मेरे पास है भी बहुत सारे स्नेक प्लांट, जैसे इंडोर में भी मैं रखी हुई हूँ, रूम के भीतर भी मैं रखी हुई हूँ और इस तरह से भी मेरे पास बहुत स्नेक प्लांट होते हैं और मैं दोस्तों को देती रहती हूँ। तो इस तरह से देखिए अब इसमें चूँकि रूट्स बहुत निकल गए हैं तो कुछ रूट अगर हम काट भी देते हैं तो ये डैमेज नहीं होगा, ये भी अच्छा से चल जाएगा। तो मैंने कुछ रूट्स को हटा दिया यहाँ से और इस तरह से छोटे 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 प्लांटर में मेरे स्नेक प्लांट तैयार हो रहे हैं। और ये मिट्टी मैंने जो तैयार किया है, ये मिट्टी भी बहुत भुरभुरी होनी है, आपको बालू भी देनी है होगी। अगर आपके पास सिर्फ मिट्टी है तो इसमें बालू ज़रूर मिलाइए, वो स्नेक प्लांट के लिए अच्छा होता है, नहीं तो मिट्टी एकदम सॉलिड हो जाती है, पानी देने के समय पानी ऊपरी सतह पर ही बनी रहेगी, तो इसलिए बालू, थोड़ा सा बालू तो देना ही ज़रूरी है। और नहीं तो कंस्ट्रक्शन वाली जो मैंने पत्थर दिखाया उसे आप यूज़ कर सकते हैं स्नेक प्लांट के लिए, वो भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि पानी स्टोर भी नहीं रहेगा, पानी निकल भी जाएगा और अगर एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल भी जाएगा और स्नेक प्लांट के लिए उतना खास मिट्टी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, हल्की फुल्की मिट्टी हो और वो पत्थर हो तो वही काफ़ी है। और देखिए इस कूलर में छेद नहीं है, कोई भी होल नहीं है, मैंने छोटे छोटे कप में भी लगाया हुआ है, आप दूर देख सकते हैं, उसमें भी कोई होल नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से चलता है और उसमें भी फैलता रहता है, बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। तो इस तरह से मेरे 3 बेबी प्लांट्स निकल गए, पॉप निकल गए थे और मैंने इसे तीनों में शिफ्ट कर दिया। इस तरह से ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं। अगर आपको स्नेक प्लांट की और भी जानकारी चाहिए तो मेरे स्नेक प्लांट की जितने भी वीडियो है आप देख सकते हैं, मैंने किस तरह से इसे मल्टीप्लाई करती हूँ, किस तरह से राइजोम को अलग करती हूँ, किस तरह की देखरेख करनी होती है, सारी डिटेल्स सारे वीडियो में दी हुई है, आप देख सकते हैं। और इस तरह से मेरे 4 प्लांटर तैयार हो गए, देखिए। और ये मदर प्लांट को डैमेज नहीं होना है और इस मदर प्लांट को मैं बहुत अच्छी तरह से रखी हूँ क्योंकि इस प्लांटर के साथ मदर प्लांट को मुझे गिफ्ट में मिला था और ये इनमें से बहुत सारे प्लांट मुझे मिल गए।
अभी तो देखिए इनमें से मुझे तीन प्लांट्स मिले, एक प्लांट्स और भी तैयार हो रहा है मदर प्लांट के साथ, और आसपास भी मेरे छत में भी बहुत सारे छोटे 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 प्लांट इस तरह से हैं, और मैं भी पानी दे दूंगी भर के और पानी नीचे से भी निकल जाएगा। तो इस तरह से स्नेक प्लांट को मैंने तैयार किया, मिट्टी तैयार की। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और नए वीडियो में बहुत जल्द मिलूँगी जिसमें पूरी जानकारी रहेगी स्नेक प्लांट की। बने रहिए, नमस्कार।